अलायंस कंपनी का नेट आ गया है, आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाए, तो आज ही संपर्क करें। सिवान लोकसभा के मैरवा में आयोजित नीतीश कुमार के जनसभा में आधी आबादी से सीएम नीतीश कुमार ने किया अपील, 12 मई को पहले करें मतदान फिर जलपान, मतदान कर आए घर फिर प्रेम से खाना बना कर खाएं। उन्होंने महिलाओं से अपील किया कि पति अगर तीर पर बटन दबा कर आएँ तो खूब प्रेम से भोजन कराएँ, नहीं दबा कर आएँ तो उन्हें दिन भर का उपवास रखें। मैरवा से राजेश पांडे की रिपोर्ट। एक एक वोट तीर छाप के बगल का बटन दबा कर इनको जीतिएगा, दीजिएगा और जिताइएगा। तो बोलिए क्या विचार है, जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने वचन दे दिया कि इनको जिताएंगे, इनको हम माला समर्पित कर दें, समर्पित कर दें जीत का माला। आपकी इजाजत से हम माला सौंप दिए हैं, अभी आप ही देखिएगा। यहाँ पर बहने हैं, उनसे हम विशेष आग्रह करेंगे, देखिए आपके बराबर के अधिकार के लिए हम सब दिन से काम करते रहे। मेरी एक बात मानिएगा, 12 तारीख को वोट पड़ेगा, उस दिन सवेरे तैयार होके खाना बनाने के चक्कर में मत रहिए, पहले तैयार होके जा करके अपना वोट दे आइएगा, घर लौट कर आइएगा, खाना बनाइएगा, खाइएगा, पहले मतदान तब जलपान। तो पहले जाके वोट दे के आइए, खाना बनाइए और खाइए। और दूसरी बात, घर के जो मर्द लोग आपके हिसाब से वोट दे करके आवे, उनको वोट देने कर लौटने के बाद प्रेम से भर पेट खिलाइएगा, लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं माने तो उनको दिन भर का उपवास करवा दीजिएगा। यही हमारे तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने कविता सिंह जी को विजयी बनाने का वचन दे दिया, संकल्प ले लिया, तो इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और चूंकि आगे अभी कई मीटिंग में हमको पहुँचना है, गोपालगंज में, सीतामढ़ी में, सब जगह पहुँचना है, फिर आपके बीच में आएंगे। और हम तो सब जगह घूमते ही रहते हैं, आपके बीच आते ही रहते हैं, हम लोगों से संवाद करते रहते हैं, नई चीजों को जानते हैं, जो नया काम और करना है उसके बारे में सोचते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार।